मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज का कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ। मंडी के पंडल के मैदान में पहली बार इस प्रकार से हमको डॉम लगा करके व्यवस्था करनी पड़ी क्योंकि मौसम खराब था, और आज मौसम ने साथ दिया। पड्डल के मैदान में तो जगह बची नहीं, पूरा बस स्टैंड, उसके बाद शेरी मंच, उसके बाद मंडी की सारी सड़कें, मंडी की सारी गलियां भरी पड़ी थी लोगों से। और मैं सचमुच में क्षमा चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाएं बहुत दूर से आए 8 घंटे 7 घंटे सफर करने के बाद, लेकिन हम रैली स्थल पर ही नहीं पहुँचे, उनको असुविधा हुई। और जो लोग आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। जो मौसम खराब होने के बावजूद भी सुबह से रात से चले हुए थे सफल कार्यक्रम, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ कि बहुत व्यस्त समय उसके बावजूद भी उन्हें समय निकाला, आए और हिमाचल प्रदेश में जहाँ 4 साल पूरे होने पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को अपनी शुभकामनाएं दी, बधाई दी। वहाँ 11,500 करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर इनका शिलान्यास और 28,000 करोड़ के लगभग जो हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग थी, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट थी, उसको भी जो है वो आज पूरा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और बहुत उत्साह के साथ लोग आए, बहुत उत्साह के साथ लोगों ने सुना। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में जो काम किया है, और उस काम के बाद फिर आगे इसमें निरंतरता बनी रहे, और जो बाकी हमारा अगले चुनाव तक, जो विधानसभा के चुनाव तक का समय बचता है, उसमें मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर के उनकी सेवा करने की कोशिश करेंगे। और उसके पश्चात जब चुनाव का दौर आएगा तो हम चुनाव में जाएंगे जोश और जुनून के साथ, और निश्चित रूप से 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर, नेचुरल फार्मिंग को लेकर भी काफ़ी स्पष्ट था प्रधानमंत्री ने दिया है। देखिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि ये हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत अनूठी शुरुआत की, और वो सब जगह पूरे देश भर में इस बात का जिक्र करते हैं। हिमाचल ने बहुत प्रयास किया है और इस मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए किसानों को प्रेरित किया है। लगभग 1.5 लाख किसान अपनी खेती में प्राकृतिक खेती करने की इस परंपरा को अपना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में पूरे देश को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जहर मुक्त होना चाहिए हमारा भोजन, जहर युक्त नहीं होना चाहिए। रसायनों का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल स्प्रे, ये कम से कम इस्तेमाल हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी का आग्रह जो है वो हमारे लिए अभिनंदनीय है, और प्रधानमंत्री जी का हम आभार करते हैं। सर, इन्वेस्टर मीट जो इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्शन थी उसमें क्या निकल के सर? देखिए, वो तो एक उस तरह से जहाँ ग्राउंड ब्रेकिंग होनी थी, एक औपचारिकता वो थी जो 28,000 करोड़ रुपये की, और उसके साथ साथ में दूसरा पार्ट ये था कि तीन लोगों के साथ वहाँ पर इंटरेक्शन हुआ, और अपने अनुभव, हिमाचल प्रदेश में हम आए हूँ, प्रधानमंत्री जी ने सुना कि भाई किस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर आकर के हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाया, और उसके बाद सफलता क्या हुई, उन्होंने अच्छे अपने अनुभव सुनाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।